बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपको पता है कि आपके जैसे के ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। आज आप लोगों का बैंकिंग का जो होगा वो ऑनलाइन का पहला लेक्चर होगा। उसमें आपको पता है कि हमने प्रीवियसली जो सा है वो चैप्टर हम 7 कंप्लीट कर चुके हुए थे, जिसमें हमने डिस्कस जो किया था वो बैंकर और कस्टमर रिलेशन को डिस्कस किया था। उसमें हमने बैंकर कस्टमर रिलेशन डिस्कस किए, वो टॉपिक आप लोगों ने काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट्स की हमने डिस्कस की थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओवरऑल बॉयज एंड गर्ल्स सबका 7 चैप्टर तक कंप्लीट था। आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में जो आपका टॉपिक है स्टार्ट, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। आपको भी पता है जो आपके चैप्टर का नाम है वो बैंक फंड्स एंड देयर यूज है। आपको ये बात अच्छे तरीके से बैंकिंग में पता है कि बैंक अपने पैसे को, सिर्फ जो लोगों से पैसा लेता है वो जस्ट उसको जो सा है वो अपने पास ही नहीं रखता, उसने इन्वेस्टमेंट करनी है। उसने इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है? ताकि जो बैंकिंग बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल बनाया जा सके, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इज दैट टाइप इन विच वी हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस को, बैंकिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो सबसे पहला आपको पता है, दो बैंक के जो मेन दो फंक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहले बैंक क्या करता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी कि वो लोगों से क्या करता है? अपनी अमानतों को वसूल करता है। और आपको पता है जब वो पैसा ले लेता है क्या वो अपने पास रखता है? वो अपने पास नहीं रखता, उसको क्या करता है? मजीद इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट किस सूरत में करता है? वो लोगों को कर्जे देकर। आगे देखिएगा सोर्सेज ऑफ बैंक फंड, बैंक के पास पैसा जो आता है वो कहां से आता है? आपको पता है सबसे पहला बैंक का ओन कैपिटल। बैंक चूंकि एक आपकी क्या है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, तो क्या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अपना पैसा खुद लगाती है? लाजमी सी बात है वो अपना पैसा खुद नहीं लगाती। वो किस तरह से करती है? आपको पता है कि वो इश्यू करती है किस चीज को? शेयर्स को या फिर डिबेंचर्स को। तो बैंक का जो ऑन कैपिटल है वो क्या होता है? उसके शेयर्स, यानी कि वो जो लोगों से इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा लेती है, शेयर्स के थ्रू। सेकेंड, जो लोग पैसा बैंकों में जमा करवाते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? डिपॉजिट्स। उसके बाद लोन फ्रॉम अदर बैंक, हमारा दूसरे बैंकों के साथ लेन देन होता है। लाइक सपोज करें मेरा अकाउंट था HBL में, हबीब बैंक लिमिटेड में मेरा अकाउंट था, लेकिन मैंने जो पैसे विड्रॉ करवाए वो कहां से करवाए? वो बैंक ऑफ पंजाब से करवाए। अब ऑब्वियसली बात है, आपने क्लियरिंग हाउस का टॉपिक पढ़ा है। ये क्लियरिंग हाउस एक ऐसी फैसिलिटी है विच इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक, गिवन टू द ओनली स्केड्यूल्ड बैंक। आपको पता है नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती, उनको ये फैसिलिटी नहीं दी जाती, जिसके थ्रू हमारा दूसरे बैंकों के साथ क्या होता है? लेन देन होता है। थर्ड ऑप्शन आ जाती है आपका रिजर्व फंड। आपको पता है किसी भी कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है वो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती अपने शेयर होल्डर्स को, बल्कि जो अपना पैसा वो अपने पास बचा के रख लेती है अपनी अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए, वो उसका क्या कहलाता है? उसका रिजर्व फंड कहलाता है। अब रिजर्व फंड इज आल्सो कॉल्ड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, ये उसका एक्युमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं इसको, और इसको जो सा है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, ये जो आप लोगों ने, ये जो स्टार्ट का टॉपिक है आपकी बुक्स पे है गिवन, आप लोगों ने ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। बैंक अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता भी है तो इस तरह से पूछ सकता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बैंक फंड, यानी कि बैंक फंड के क्या क्या जो से है वो सोर्सेज है। देर आर 4 सोर्सेज ऑफ बैंक फंड, वो कौन से है? बैंक ऑन कैपिटल, डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम बैंक और रिजर्व फंड। उसके बाद आ जाता है बैंक अपने जो फंड्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे करता है, कहां कहां पर इस्तेमाल करता है और कैसे करता है। आपको पता है वो फंड्स जो उसके पास पैसा आता है वो सबसे पहला जो काम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के बाद वो क्या करता है? कर्जे जारी करता है। कर्जे जारी करने के बाद क्या? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है? कि वो कहीं अपना पैसा किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगा देता है जहां से वो प्रॉफिट अर्निंग करता है। उसके बाद थर्ड जो उसके पास ऑप्शन होती है वो क्या होती है? शेयर्स को परचेज करना या फिर डिबेंचर्स को परचेज करना। अब एडवांसिंग लोन जो उसका पहला जो है कर्जे जारी करना, कर्जे दो तरह के होते हैं, वो कौन कौन से कर्जे होते हैं? नंबर 1 इज सिक्योर्ड लोन, नंबर 2 इज अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं? आपको पता है एक वर्ड आप लोगों ने सुना है सिक्योरिटी। व्हाट इज सिक्योरिटी? ऐसी चीज जिसके अगेंस्ट बैंक कर्जा देता है वो आपकी क्या कहलाती है? सिक्योरिटी। आपके इस टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में टॉपिक भी आएगा पूरा सिक्योरिटी का, इक्वालिटीज क्या होती है सिक्योरिटी की, ये तमाम चीजें आपका जो सा इसमें टॉपिक कंप्लीट होगा। देखिए जब भी हम किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन लेते हैं वो आपके लोन क्या कहलाते हैं? सिक्योर्ड लोन कहलाते हैं।
और अगर बाजुकात ऐसा होता है कि कोई गारंटी आ गई है या बैंक ने, वैसे आप जो सा बैंक अनसिक्योर्ड लोन आपको भी बता होगा कि नहीं देता सिक्योरिटी के बगैर, बैंकिंग सिस्टम क्योंकि नहीं चलता, वो सिक्योरिटी के बगैर कर्जे नहीं देता क्योंकि उसमें बैड डेट्स के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इस वजह से बैंक जो है वो अनसिक्योर्ड लोन नहीं देता। आगे इन दोनों की काइंड्स कौन कौन सी होती है, ये आप लोगों ने सेकंड चैप्टर जब हमने पढ़ा था कमर्शियल बैंक के फंक्शंस में कि बैंक किस किस तरह से लोन देता है। नंबर वन डिमांड लोन। डिमांड लोन जैसे कि नाम तलबी कर्जे इसको कहा जाता है, ये वो कर्जे होते हैं जो बैंक जब रिक्वायर करेगा कस्टमर को वो वापस करने पड़ेंगे। यानी कि सपोज करें इसके कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती, बैंक ने जब आपसे डिमांड करना है कस्टमर से वो ये क्या करेगा, उसको वापस करेगा। सेकेंडली इसमें आ जाता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपको पता है क्या होता है कि जब भी आप अपनी डिपॉजिट से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करवाते हो वो आपका क्या कहलाता है, ओवरड्राफ्ट कहलाता है। और ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसको दी जाती है, करंट अकाउंट होल्डर को। और मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है कि ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको दी जाती है, ये करंट अकाउंट होल्डर को दी जाती है जिसमें आपको पता है कि ये करंट अकाउंट होल्डर इज सूटेबल फॉर द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के लिए सूटेबल होता है। और इसमें किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं होती कि आप जब चाहे मर्जी पैसा जमा भी करवा सकते हैं और जब चाहे क्या कर सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं। ओवरड्राफ्ट लाइक आपका अकाउंट में जब आपने चेक ड्रॉ किया वो 1,00,000 रुपीज का था, लेकिन आपको उस वक्त जरूरत 1,10,000 की थी, आपने जो 10,000 एक्स्ट्रा बैंक से निकलवाया वो आपकी अमाउंट क्या है, ओवरड्राफ्ट है। थर्डली डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या आपको पता है कि बैंक एक किस्म का शॉर्ट टर्म लोन देता है, वो किस सूरत में देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद कैश क्रेडिट, बैंक डायरेक्ट कर्जा भी देता है कैश की सूरत में, आपने बैंक से लोन मांगा, बैंक ने आपको किस सूरत में दे दिया, वो कैश की सूरत में दे दिया, दैट इज योर कैश क्रेडिट। उसके बाद फिक्स लोन बाय ओपनिंग एन अकाउंट। बाज़ुकात देखिए बैंक अपने डिपॉजिट्स को बढ़ाने के लिए, अपने डिपॉजिट्स को इंक्रीज करने के लिए वो कस्टमर को क्या कहता है कि आप ऐसा करें जो मैंने आपको कैश में कर्ज देना है आप उसको क्या कर दें, अकाउंट ओपन करवा लें, बाद में अपने अकाउंट से आप जो सा वो पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं, यानी कि लोन अकाउंट ओपन करवा दें। जैसे ही कस्टमर लोन को पे कर देता है आपका अकाउंट वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बैंक ऑप्शन देता है, आपको पता है जो इसमें लोन दिया जाता है वो तीन तरह का होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म लोन जो पीरियड होता है इसका वो 6 months to 1 year होता है, और इसी तरह जो मीडियम टर्म होता है वो 1 year to 5 years होता है, और जो लॉन्ग टर्म होता है वो 6 to 10 years। और आपको पता है बैंक जोन है वो ग्रेस करता है लॉन्ग टर्म लोन्स में, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन्स में डिफॉल्टर होने के, इंसॉल्वेंट होने के और बैड डेट्स के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इसलिए बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म लोन नहीं देता। इवन बैंकिंग सिस्टम में अब मीडियम टर्म जो लोन है उनको खत्म कर दिया गया और लॉन्ग टर्म को ही नाम दे दिया गया, यानी कि मीडियम टर्म को ही नाम दे दिया गया, किसका, लॉन्ग टर्म का नाम दे दिया गया। यानी कि अब जो वो 1 to 5 का कॉन्सेप्ट था वो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स में हो गया हुआ है, अब जो बैंक वो मीडियम टर्म कर्ज देता वो नहीं देता। उसके बाद आपकी आ जाती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि बैंक किसी दूसरे बैंक के या किसी दूसरे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के क्या कर ले, शेयर्स वगैरह परचेज कर ले, या फिर कहीं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा दे, वो आपकी क्या कहलाती है, बैंक की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या होता है, परचेजेस ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स। बैंक क्या करे कि किसी दूसरी कंपनी के या दूसरे बैंकों के क्या करे, शेयर्स या डिबेंचर्स को खरीद ले। अब शेयर्स और डिबेंचर्स होते क्या है, ये आप लोगों को पता भी है, इसको रिपीट कर लेते हैं। शेयर्स आपको पता है कि कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल होता है इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड एवरी यूनिट इज कॉल्ड शेयर। जो कंपनी का, यानी कि आप कह लें कंपनीज कैपिटल डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट एंड एवरी यूनिट इज कॉल्ड शेयर। डिबेंचर, और आपको पता है द पर्सन हु परचेज द शेयर्स दैट इज कॉल्ड ओनर ऑफ द बिजनेस। जितने पर्सन या जितने रुपीज के उसने शेयर्स खरीदे हैं वो उतने ही पैसे का, उतनी ही इन्वेस्टमेंट का कंपनी में क्या होता है, मालिक होता है।
और इसी तरह जो प्रॉफिट अर्न करता है, अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो शेयर्स में प्रॉफिट मिलता है, अगर लॉस होगा तो लॉस भी आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके ऑपोजिट डिबेंचर्स होते हैं, और प्रॉफिट ऑन शेयर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। ये आप लोगों को पहले भी पता है कि जो शेयर्स पे जो प्रॉफिट होता है उसे हम लोग नाम किसका देते हैं, डिविडेंड का दिया जाता है। डिबेंचर्स देखिएगा, डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट विच इज इशूड बाय द कंपनी फॉर रेजिंग इट्स कैपिटल। डिबेंचर इसके ऑपोजिट होता है शेयर्स के, कि ये कंपनी इशू करती है अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। जो द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर इज कॉल्ड क्रेडिटर, वो क्रेडिटर कंपनी का बन जाता है, क्योंकि कंपनी बाज लोग कहते हैं भाई हमें कल को अगर नुकसान होता है हम नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाहते, हमें जो नुकसान सिर्फ प्रॉफिट ही हो। तो डिबेंचर में जो पैसा मिलता है वो आपको क्या मिलता है, वो इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट आपको पता है कि फिक्स अमाउंट होती है। जो लोग इसको खरीदते हैं वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर बन जाते हैं, और जो पर्सन होते हैं यानी कि कंपनी, उनकी क्या बन जाती है, डेटर्स बन जाती है। ये आपका जो होल टॉपिक है ये यही है, इसको जो आप लोगों ने करना है ये आप लोग सेकंड चैप्टर में ये सारे का सारा पढ़ के आए हुए हैं। ये तमाम चीजें ये आप लोगों ने सिर्फ शॉर्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। ये चारों चीजों भी आपको पहले सेकंड चैप्टर में भी आपने कमर्शियल बैंक के पढ़ी थी, ये तमाम चीजें भी आपने कमर्शियल बैंक के सेकंड फंक्शन में पढ़ी थी एडवांसिंग लोन में। यहाँ पे भी सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन है, ये शॉर्ट पर्सन भी इसको स्टार्ट करा रही है, शॉर्ट पर्सन भी पेपर में आता है, ये शॉर्ट पर्सन भी पेपर में आता है कि बैंक के सोर्सेस क्या होते हैं फंड्स के, और एडवांसिंग लोन की टाइप्स, लोन की टाइप्स कौन कौन सी होती है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जो कि सिक्योरिटी के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं, और अनसिक्योर्ड लोन वो सिक्योर्ड लोन होते हैं जो जिसके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी बैंक नहीं लेता, और आपको पता है कि बैंक अनसिक्योर्ड लोन अब नहीं देता। आगे इसकी गाइडेंस है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, इसकी जो टोटल आपने शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, आगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे उसको हम आगे डिटेल से करेंगे, बस आपने आज इतना ही देखना है इसको। अच्छा आप लोगों ने ना करना आज यही टॉपिक है, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको इस मामले में जो है वो आप डिस्कस कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, और इसके अलावा दोबारा एक दफा इसको देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक मेन, आपको भी पता है कि दो ये फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक का आपने टॉपिक किया था सेकंड चैप्टर में, इसमें ये होगा कि दो मेन फंक्शन है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन, और सोर्सेज ऑफ बैंक फंड्स। एक्चुअली भी जो चैप्टर है आपका बैंक फंड्स एंड देयर यूज, बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है और वो उसको इस्तेमाल कहाँ पर करता है, ये आपके चैप्टर का जो मेन थीम है, या मेन आप कहने के आपकी देखिएगा इसमें सोर्सेज ऑफ बैंक फंड, बैंक के देयर फोर सोर्सेज, बैंक्स ओन कैपिटल, बैंक का अपना पैसा जो बैंक यूटिलाइज करता है, नंबर टू इज डिपॉजिट्स, जो बैंक लोग अपना पैसा बैंकों में सेव करते हैं, और आपको ये बात पता है कि डिपॉजिट्स में से बैंक 80% लोन इशू करता है, और जो 20% होता है वो कैश रिजर्व के तौर पे अपनी अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए। लास्टली सी बात है, जिन लोगों ने पैसा जमा करवाया है वो कभी भी वापस लेने भी आ सकते हैं। लोन फ्रॉम अदर बैंक्स बाजू का, जैसे कि सेंट्रल बैंक ने प्रोवाइड की हुई है क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटीज कैजुअल बैंकों, तो बाजू का जो बैंकों का आपस में क्या होता है, लेन देन भी होता है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से पैसा ले और दे सकते हैं। आगे रिजर्व फंड, ये जो भी मैंने बताया कि 20% अपने पास रिजर्व रखता है वो उसका क्या कहलाता है, रिजर्व फंड कहलाता है, जिसको वो यूटिलाइज करता है अपनी अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए और लोगों की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। क्योंकि बैंक कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि अगर सपोज करें आप चेक लेके बैंक के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि जी हमें हमारा पैसा वापस करें, और बैंक आपको ये कह दे कि अभी पैसा नहीं है, तो बैंक ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक की एक रिप्यूट होती है, गुडविल इसका डिक्रीज होती है, और लोगों का एतमाद बैंकों में क्या होना शुरू हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर बैंक पैसा टाइम पे लोगों का वापस नहीं करेंगे। उसके बाद बैंक अपने फंड्स को इस्तेमाल किस तरह से करता है, नंबर वन एडवांसिंग लोन, कर्जे जारी करके, नंबर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते, तीसरा परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, यानी कि अपने वो जो आप शेयर्स होते हैं कंपनी के या दूसरे बैंकों के या ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के, उनको खरीद ले, उससे भी आपको पता है कि उससे क्या कर सकता है, वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, दीज आर द टाइप्स ऑफ लोन। सिक्योर्ड लोन मीन, जैसे कि नाम से ही है, उर्दू में सिक्योरिटी को कहा जाता है कफालत,
कफालत वो एक अमाउंट होती है जो कि ग्रेटर देन किससे होती है, लोन से, यानी कि लोन की अमाउंट से। हमेशा याद रखिएगा सिक्योरिटी की अमाउंट लोन की अमाउंट से बड़ी होती है। क्यों? लाइक और द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी अमाउंट एंड द लोन अमाउंट इज कॉल्ड मार्जिन। मार्कअप भी कैसे कहते हैं उसको, और मार्क डाउन भी कहा जाता है। अगर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो वो मार्क डाउन कहलाती है। देखिएगा सिक्योर्ड लोन ऐसे लोन्स जिनके अगेंस्ट बैंक कोई ना कोई सिक्योरिटी मांगता है। कॉलेटरल सिक्योरिटी हो सकती है, आपके डिबेंचर भी ऐसा सिक्योरिटी यूज हो सकते हैं, और बाकी कोई भी। अगर सपोज करें बैंक आपसे कहता है कि अगर आपने बैंक से 1,00,000 रुपए का कर्ज लेना है तो 1,00,000 के अगेंस्ट आपको जो सिक्योरिटी की अमाउंट देनी पड़ेगी वो कितनी होगी, वो 1,10,000 होगी। और अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जिनके अगेंस्ट बैंक जो है वो किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी डिमांड नहीं करता, और बैंक जो है वो ऐसी सिक्योरिटी या ऐसे लोन देने से क्या करते हैं, गुरेज करते हैं। काइंड से देखिएगा सिक्योर्ड लोन की कौन कौन सी काइंड है, डिमांड लोन, फिक्स लोन, ओवरड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज और कैश क्रेडिट। यानी कि इसमें डिमांड लोन वो लोन होते हैं जब बैंक डिमांड करेगा कस्टमर उसी टाइम वापस करेगा। इसमें किसी किस्म का कोई टाइम पीरियड, कोई फिक्स पीरियड, कोई टाइम लिमिट नहीं रिक्वायर्ड होती। ओवरड्राफ्ट आपको पता है कि अपनी जमा की गई रकम से ज्यादा पैसा निकलवा लेना, वो बैंक के लिए क्या कहलाता है, ओवरड्राफ्ट। और जितनी अमाउंट आपने ज्यादा निकलवाई है उतना ही आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और वो वापस बैंक आपसे डिमांड कर सकता है। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आपने बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक उसमें अकाउंटिंग में भी पढ़ा था कि ड्रायर और ड्राइव जब उधार पर लेन देन करते हैं उसमें ड्राइव बिल ड्रा करता है किसके ऊपर, ड्राइव पे, कि इतने वक्त के बाद वो आपको क्या कर देगा, पैसे वापस कर देगा। अगर ड्राइव को पहले वक्त से पैसों की जरूरत पड़ जाती है वो क्या करता है, बैंक के पास जाता है और बैंक से कहता है कि आप ऐसा करें कि बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे से रख लें और मुझे इसके बदले में क्या दे दे, पैसा। जब पे आपको या ड्राइव आपको पैसे वापस करेगा आप तब मुझे वापस कर दीजिएगा। तो डिस्काउंटिंग बैंक क्या करता है, उस बिल को डिस्काउंट करता है और उसके अगेंस्ट जो पैसा आपको देता है वो भी शॉर्ट टर्म लोन ही होता है। कैश क्रेडिट कि बैंक जो उधार देता है वो कैश की सूरत में देता है। उसके बाद फिक्स लोन में आपको मैंने बताया शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, और इसमें मैंने आपको कहा कि मीडियम टर्म अब खत्म हो चुका है, मीडियम टर्म उसकी जगह लॉन्ग टर्म ही अब, क्योंकि बैंक 6 साल या 10 साल के लिए कर्जे नहीं देता, क्योंकि उसमें जो चांसेस होते हैं उसके बैड डेट्स के वो क्या हो जाते हैं, वो ज्यादा होते हैं, और बैंक उस चीज का रिस्क नहीं लेता। ये आप लोगों ने आज इसको रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि बैंक जब कर्जे देता है तो उसके क्या क्या असूल होते हैं। इंशाल्लाह कल जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।